आज हम बनाने जा रहे हैं क्रीमी भिंडी। भिंडी एक ऐसी सब्जी है जो सबको बड़ी पसंद है। छोटे बच्चे भी इसे बहुत पसंद करते हैं। बच्चे तो बच्चे, बाप रे बाप। चलिए अब आते हैं रेसिपी पर। इसके लिए हमें चाहिए होंगे आधा किलो भिंडी, दो बड़े प्याज, कुछ कलियां लहसुन की, एक इंच अदरक, एक बड़ा चम्मच दही, एक बड़ा चम्मच मलाई, थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा नमक, लाल मिर्च और गरम मसाला। चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। एक कढ़ाई गरम कीजिए, उसमें एक चम्मच तेल डालिए, एक चम्मच जीरा डालिए। जीरा फूटने पर उसमें कटे हुए प्याज, थोड़ा सा लहसुन और एक इंच कटा हुआ अदरक का टुकड़ा डालिए। ये थोड़ा गुलाबी होने तक भून लीजिए। जब भी गुलाबी हो जाए तब थोड़ा इसको गैस बंद करके इसे थोड़ा ठंडा कीजिए। ठंडा होने के बाद मिक्सी में थोड़ा सा पानी मिलाकर इसका पेस्ट बना लीजिए। उसी कढ़ाई को फिर से गर्म कीजिए और एक चम्मच तेल डालिए। तेल डालने के बाद भिंडी उसमें डाल दीजिए और हल्का ब्राउन होने तक उसको धीमे आंच पर सेकते रहिए। सिकने के बाद भिंडी आप निकाल लीजिए। फिर से उसी कढ़ाई को गर्म करके पिसा हुआ मसाला उसमें डाल दीजिए और थोड़ी देर भून लीजिए जब तक कि मसाला पक ना जाए। मसाला पकने पर उसमें अब भिंडी डालकर थोड़ा सा नमक, लाल मिर्च और हल्का सा गरम मसाला देकर उसमें एक बड़ा चम्मच दही डालिए, एक चम्मच मलाई डालिए और इसको थोड़ा भून लीजिए। और थोड़ा सा दूध डाल दीजिए। अब भिंडी को कवर करके इसको थोड़ा पका लीजिए जब तक कि भिंडी पूरी पक ना जाए। भिंडी पकने पर इसे बाउल में निकाल लीजिए और थोड़ा हरा धनिया ऊपर से देकर गार्निश कर लीजिए। आपकी क्रीमी भिंडी तैयार है। इसे गरम गरम परोसिए और मजा लीजिए।